हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अगरुट नेचुरल इनोकुलेशन के ऊपर। अगरुट आज के टाइम पर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन है। अगर आप अगरुट कल्टीवेशन में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो मान लीजिए कि 10 ईयर के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देंगे। तो अगरुट में जो नेचुरली ओड बनते हैं उसका मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो मान लीजिए 1 kg अगरुत जो नेचुरली बनते हैं उसका प्राइस 5 लाख से 20 लाख तक बढ़ते हैं। उसका क्वालिटी के अनुसार उसका रेट डिफरेंट होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नेचुरली अगरुत कैसे बनते हैं। तो इंडिया का जो असम स्टेट है, असम में 75% ऑफ अगरुत नेचुरली बनते हैं। इसीलिए असम या नागालैंड में जो ओट बनते हैं उसका रेट बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा इंसेक्ट या कैटरपिलर होते हैं जो अगरुत प्लांट में एक होल बनाते हैं, तो जिसके ज़रिए उसका लाइफ साइकिल या उसमें अंडा या दिमक छोड़ने के लिए अगरुत प्लांट चूज करते हैं। क्योंकि दूसरा प्लांट के मुताबिक अगरुत प्लांट बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जिस जगह में वो होल बनाते हैं उसी जगह से वो होल बनाते हुए एक दूसरा जगह से और निकल जाता है। तो जहाँ ये काटमार्क लगाते हैं या होल बनाते हैं उसी में एक रेजिन फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए कि कोई जगह में अगरुत प्लांट का कोई जगह में एक कैटरपिलर ने उसका होल बनाया, तो उस होल में 5 ईयर्स के बाद एक रेजिन फॉर्म होता है। तो उस रेजिन का मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपके घर में अगरुत प्लांट आपने कुछ खुद का लगाया हुआ है तो आप भी देख सकते हैं कि आपका प्लांट में ये ओड फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही अगरुत प्लांट में रेजिन बैठना स्टार्ट होते हैं उसी दौरान ये होल क्लोज होने लगते हैं। यही एक सिम्टम है। जब भी अगरुत प्लांट में जिस हिस्से में कैटरपिलर ने होल बनाया था, जब भी ये होल देखिए, ये होल क्लोज हो गया है, तो क्लोज होने के बाद इस तरह से दिखाई देते हैं। तो यही एक सिम्टम है, इसमें रेजिन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो हम काट के देखेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो मैं धीरे धीरे इसको काट रहा हूँ। तो आप लोग अगर घर में है तो उसका थोड़ा संभाल के एक बार देख सकता है, उसको काट के देख सकता है कि आपका अगरुत में रेजिन फॉर्म हुआ या नहीं हुआ है। तो इसका जो क्वालिटी मुझे देख रहा है, तो दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गुड क्वालिटी का रेजिन फॉर्म हो चुका है। नेचुरल अगरुत में कोई भी केमिकल या फंगल इन्फेक्शन नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इस अगरुत का डिमांड आर्टिफिशियल इनोकुलेटेड अगरुत की तुलना में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है और उसका प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आप लोग के सामने समझाने के लिए कोशिश किया, आप लोग समझ में आया आप लोगों को। तो ये जो रेजिन आप लोग देख पा रहा है ये कम्प्लीटली 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों, अगरुत कल्टीवेशन के ऊपर कोई भी आपको जानना है, सवाल है, मुझे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।